हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम सर्वर पे खेलने वाले हैं, अपना जो मल्टीप्लेयर सीरीज था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर ये भाई पड़े हैं, इनके पास कुछ अच्छा सामान तो है नहीं, भाई क्या इनसे चुराएं। तो गाइस, आज हम सर्वर पे खेलने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में हमने हंटर केव वगैरह किया था और उससे अपने को बाम वगैरह तो मिला नहीं था भाई, अपनी फूटी किस्मत। तो भाई कभी बाद में ट्राई करेंगे, बाम वगैरह फार्म कर लेंगे। और अभी तो भाई ईडी इवेंट भी चल रहा है, मतलब जितने ईडी डाइनो टेम कर सकते हैं कर लेंगे, बाद में भाई ईडी वाले चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएंगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, यहाँ पे हमने ये टॉर्च वगैरह लगा दी थी सारा साइड, इसको बनाने के लिए भाई वो सीमेंटिंग पेस्ट लगता था, इसलिए भाई पहले नहीं बना पाए थे। और अभी भाई लेकर आए बीवर डैम से, फिर जाकर के बना पाए ये अपनी टॉर्च यहाँ पे, भाई पूरे अंदर लगा दिया, क्या ही ओपी लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस, हम आज के इस वाले एपिसोड में इधर से मतलब शिफ्ट करने वाले हैं अपना बेस। तो भाई टॉर्च लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं, उस मैं रह भी नहीं पाए बेस के अंदर थोड़ा भी टाइम। अभी भाई शिफ्ट हो जाएंगे रेडवुड में, रेडवुड में भाई बेस वगैरह बनाएंगे, उधर सर्वाइव करेंगे और उधर ही डाइन वगैरह टेम करेंगे। और अभी देखो भाई, लुक देखो अपने बेस का, अंदर से तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन बाहर से भाई काला काला वुड का वॉल लगता है, तो बाहर से इतना अच्छा नहीं लग रहा भाई, अंदर का काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो भाई, मैंने बेस बनाने के लिए सारा सामान वगैरह बना लिया था जितना भाई आरजी में आ सकता था, और इस वाली आरजी में भी है सामान थोड़ा बहुत। और ये भी भाई सब लेकर चलते हैं सीधे रेडवुड में और वहाँ पे भाई अपना डेरा डालते हैं और देखते हैं भाई कौन सा जगह पे बना है अपना बेस। और गाइस, फाइनली हम इतनी देर के बाद भाई आ गए थे रेडवुड में। और यहाँ पर ये वाला जगह भाई काफ़ी फ्लैट एरिया था भाई, डेवलपर डाउन यहाँ पे, इसको उड़ा देते हैं नहीं तो एक बुक्का लग गया तो भाई इसका सारा झुंड आ जाएगा मारने। चलो भाई, अभी मर गई है, अगर एक एरो में नहीं मरती ये, अगर इसकी हेल्थ थोड़ी सी बच जाती तो इसका पूरा झुंड आ जाता हम लोगों को मारने। और यहाँ पर एरिया भाई काफ़ी फ्लैट है, इधर बेस अच्छा खासा बन जाएगा। ये पहले बेरीज की झाड़ वगैरह हटाते हैं, फिर यहाँ पर फाउंडेशन वगैरह डालेंगे। और भाई हमने यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह तो लगभग में प्लेस कर दिए हैं झाड़ वगैरह क्लियर करके। अभी देखो भाई, ये इतना एरिया हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो भाई इतना एरिया काफ़ी है। वैसे बेस तो काफ़ी बड़ा बनेगा, इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगा दिए यहाँ पे। अभी भाई वॉल लगाते हैं, नीचे स्टोन की वॉल लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे वुड की वॉल, तो भाई काफ़ी अच्छा दिखने में भी लगेगा। चलो वॉल प्लेस करते हैं जल्दी से। चलो भाई वॉल ले ली, चलो इधर कर देते हैं प्लेस। और यहाँ पर भाई नीचे साइड एक एक वॉल स्टोन की और उसके ऊपर वुड का, तो भाई अच्छा लुक आएगा शायद से, देखते हैं प्लेस करके कैसा लगता है। और गाइस, यहाँ पे मैंने देखो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेस कर दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा मतलब किस टाइप का बनाएं। भाई मैंने शायद ये इस तरह का बेस शायद यूट्यूब पर या किसी का बेस देखा था, तो मेरे को सही से याद नहीं है भाई किस टाइप का बना था वो बेस, तो उसी टाइप का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भाई ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी बाहर से। और शायद मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया है भाई, चौड़ा ज़्यादा कर दिया, इसको थोड़ा सा शायद कम करना पड़ेगा भाई, देखते हैं कम करके कैसा लगता है कम करने पर। और चलो भाई, हमने कम तो कर दिया था उस साइड वाला एरिया। और इधर भाई हमने स्टेयर लगा दिया है और अब इसके ऊपर भाई सेकंड फ्लोर की सीलिंग लगा देते हैं, ये मतलब जो पुराना वाला बेस बनाया था ना उसी तरह का मतलब कर देंगे इधर भी। और यहाँ पर भाई चलो नहीं लगेगा ऊपर, और इसके भाई साइड में भी सीलिंग ब्रेस कर देते हैं। चलो भाई यहाँ पे करते हैं इधर, और अभी ठीक है भाई, अभी नीचे जाने में नहीं लगेगा भाई सर पे, अभी दो सीलिंग मतलब छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, और दो इधर बाकी हैं, ये प्लेस करते हैं। चलो हो गई प्लेस, अभी इधर रेलिंग लगा के ये ऊपर का इधर का एरिया थोड़ा सा खुला रहेगा अपना पिछले बेस जैसा, तो ठीक रहेगा। और इधर ये साइड वाली वॉल अपना प्लेस करते हैं और उसके ऊपर भाई वो झोपड़ी की तरह का स्लॉप्ड सीलिंग लगा देंगे। और यहाँ पर एक कोई प्लेस हो जा, चलो भाई यहाँ पर हो गया हमारा प्लेस। और अभी भाई
ठीक लग रहा है। अभी स्लॉप्ड सीलिंग की बारी है, उसको भी प्लेस करते हैं इधर ऊपर से, और ये रही हमारी सीलिंग, इसको करते हैं इधर प्लेस। चलो भाई यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर भाई ऊपर लग जा। चलो भाई यहाँ पर लग गई, इधर एंड इधर, बस इधर का एरिया तो हो गया। अब उस साइड हमको स्लॉप्ड सीलिंग लगाना है एक एक और ऊपर साइड, और फिर उसके ऊपर सीलिंग लगा देंगे अपन, पूरा बेस अपना कवर हो जाएगा। चलो भाई सीलिंग लगाते हैं जल्दी से चल के। और भाई यहाँ पे हमने भाई वो लैडर बना लिया है, लैडर यहाँ पे लगा देंगे ऊपर की साइड जाने के लिए, और यहाँ पर सीलिंग गोगेटा जी ने जल्दी से लगा दी। अब इधर इस साइड प्लेस करें ये लैडर या इस साइड, वही इस साइड प्लेस करते हैं, इस साइड थोड़ा अच्छा लगेगा। और चलो अभी लैडर लगाते हैं इधर, और यहाँ पर इस साइड से लगा देते हैं लैडर। अभी भाई चढ़ना है भाई, चढ़ेंगे अगर इस साइड करके तो नहीं गिरेंगे, अगर सीधे सीधे साइड चढ़े ऊपर तो भाई सीधा नीचे गिरेंगे। और इधर भाई ये स्लॉप्ड सीलिंग बची है, ये भी प्लेस कर देते हैं, थोड़ी सी तीन ठो बची है वो भी प्लेस करते हैं जल्दी से। और भाई सब कुछ तो हो गया प्लेस करके, और अब थी हमारी रेलिंग की बारी, और रेलिंग भी भाई लगभग में हमने प्लेस कर दिया। और यहाँ पर ऊपर की साइड मतलब फुल रेलिंग नहीं लगाएंगे, इस साइड मतलब चार ठो सीलिंग छोड़ देंगे, उसके बीच में अपन लगाएंगे हैच फ्रेम, हैच फ्रेम लगा देंगे, उससे मतलब फ्लायर डाइनो अंदर और बाहर ले जा सकते हैं आराम से ऊपर की छत खोल के, तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है वो ऐसे हैच फ्रेम। और चलो इधर भी रेलिंग प्लेस करते हैं जल्दी से, और यहाँ पे चलो भाई अपना रेलिंग हो गया प्लेस। अभी इधर की सीलिंग तोड़ते हैं और अपना हैच फ्रेम बनाते हैं, उसको लगाते हैं। और गाइस मैंने यहाँ पे सीलिंग वगैरह तो तोड़ दी है चार ठो, और यहाँ पे अब हैच फ्रेम लगा देते हैं। चलो भाई अपना हैच फ्रेम तो लग गया, अब हैच फ्रेम का डोर बनाना है हमको, और ये स्मिथी में बनता है, तो स्मिथी आरजी में होती है तो आरजी में ही बन जाएगा अपना। चलो भाई बन गया अपना ट्रैप डोर, और इसको प्लेस कर देते हैं इधर। चलो भाई अपना हैच फ्रेम का डोर प्लेस हो गया। अभी भाई क्या ही ओपी खुलता है ये, इसके अंदर आरजी को बड़े आराम से लेकर जा सकते हैं। चलो भाई इसके अंदर लेकर चलते हैं, और बाकी का सामान अंदर प्लेस करना है अब, जैसे स्मिथी और स्टोरेज बॉक्स वगैरह वो प्लेस करते हैं जल्दी से। चलो भाई आरजी को इस साइड ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, और ये अपना हैच फ्रेम खुला हुआ है अभी, तो ये ऑटोमेटिक भाई थोड़ी देर में गेट की तरफ बंद हो जाएगा। और अभी भाई सामान लेते हैं इससे और प्लेस करते हैं सारा इधर उधर। और भाई मैंने यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स सामने की साइड प्लेस कर दिए थे, चलो ये लास्ट बचा है हमारा स्टोरेज बॉक्स यहाँ पे, चलो ये प्लेस हो गया। और उस साइड मैंने रेलिंग लगाई थी, और इस साइड भी एक रेलिंग लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा लुक अच्छा हो जाएगा इधर का। चलो भाई ये देखो हमने एक इधर रेलिंग लगा दी, एक उधर रेलिंग लगा दी, और उसके अंदर भाई स्टोरेज बॉक्स, और अभी भाई ठीक ठाक लग रहा है वैसे। और अभी हमको भाई बाकी का सामान प्लेस करना है, भाई सोचना पड़ेगा किस साइड प्लेस करें बाकी का सामान अपना। और भाई इधर सीढ़ियों के नीचे अपना ये मोर्टर एंड पेस्टल प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले टेबल अपनी प्लेस करते हैं इसके नीचे, भाई अच्छी जगह मिल गई अपने को ये टेबल प्लेस करने के लिए सीढ़ियों के नीचे अपनी। और अब यहाँ पे मोर्टर एंड पेस्टल इसके ऊपर कर देते हैं प्लेस। चलो भाई यहाँ पे लग गया अपना मोर्टर एंड पेस्टल, और इस साइड एक, और चलो ये भी लग गया। और अभी हमको भाई बाकी का सामान प्लेस करना है, और इधर एक स्टोरेज बॉक्स भी लगा देते हैं, जैसे स्पॉइल्ड मीट वगैरह जैसे रखना हुआ तो इसी में रख देंगे, तो उधर तो लगेगा नहीं, इसी साइड प्लेस कर देते हैं। और चलो यहाँ पे भाई जंप करता है, भाई प्लेस करने पर जंप वाला बटन दब जाता है तो जंप ही कर देता है हर बार प्लेस करने पर, ऐसे ही होता है। और अब इधर भाई स्मिथी वगैरह इस साइड प्लेस करते हैं, भाई इसे काफ़ी जगह मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले फैब्रिकेटर प्लेस करते हैं, सर यार कुछ ज़्यादा ही जगह है यहाँ पे, पहले फैब्रिकेटर फिर स्मिथी करते हैं, फिर स्मिथी तो छोटी जगह में भी लग जाएगा, फैब्रिकेटर के लिए भाई थोड़ा बहुत जगह का इशू रहता है, इतना बड़ा सा होता है। और यहाँ पर भाई कुछ बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है क्या ही बाहर से क्या कौन देखेगा जाके। और इधर अपना स्मिथी प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर स्मिथी, चलो भाई ठीक लग रहा है, लेकिन ये पीछे कुछ ज़्यादा ही जगह छोड़ देता है स्मिथी जो प्लेस करते हैं, लेकिन फिर भी भाई ठीक लग रहा है वैसे।
चलो भाई अभी अपनी फॉर्ज की बारी, फॉर्ज इधर प्लेस करते हैं। और मैंने सबसे पहले भाई विंडो लगा दिया है इसके बाहर साइड, जैसे आरजी को लाएंगे और बाहर साइड रख के मेटल वगैरह निकाल सकते हैं। वैसे भाई अपने हैच फ्रेम तो लगा ही दिया है, तो बेस मतलब बेस के अंदर ऊपर छत से भी ला सकते हैं, और इतना बड़ा डायनो गेट लगा है उससे भी ला सकते हैं। तो भाई पता नहीं मैंने ये विंडो यहाँ पे क्यों लगा दिया, इसको कोई सोचा ही नहीं। और एक ठो इधर प्लेस करते हैं। चलो भाई यहाँ पे तीन हो गया, एक यहाँ पे, एक और चलो भाई अपनी चार फॉर्ज इधर प्लेस हो गई हैं। और भाई इसमें मेटल वगैरह पकेगा बहुत तगड़े से। और इधर विंडो भी लगा है भाई, विंडो भी ठीक ठाक लग रहा है वैसे। और यहाँ पे और हमको प्लेस करना है भाई अपना ये खाने पीने वाला सामान, इसमें फूड पकता है, कैम्प फायर एंड कुकिंग पॉट वगैरह। तो भाई इधर प्लेस करते हैं ये अपने कुकिंग कैम्प फायर। कैम्प फायर इधर ठीक रहेगा भाई, कोने में कुछ ज़्यादा ही जगह मिल जाएगा, इनको छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। और चलो भाई यहाँ पे अपना कैम्प फायर हो गया, अभी कुकिंग पॉट की बारी है। इधर भाई प्लेस कर देते हैं अपना कुकिंग पॉट, लग नहीं रहा भाई, इसको निकालना पड़ेगा शायद, अभी देखते हैं लगा के, अभी लग जाए यहाँ पे कोने में। चलो भाई अभी लग रहा है, लेकिन भाई कोने में नहीं लग रहा है, थोड़ा इधर ही लग रहा है। चलो भाई जहाँ लगता है इसको प्लेस करते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है ये। चलो भाई हो जा प्लेस, भाई कोने में नहीं हो रहा, इस साइड हो रहा है भाई। इसको सेट करके प्लेस करते हैं जल्दी से। चलो भाई हमने फाइनली वहाँ पे कुकिंग पॉट तो प्लेस कर दिया, अभी भाई अपना कर देते हैं ये स्टोरेज बॉक्स कर दें इसके साइड में प्लेस, इसमें कि अपनी रेसिपी वगैरह रख सकते हैं इसमें। और इधर प्लेस कर देते हैं भाई, क्या ही जंप कर देता है एकदम से। इधर पहले प्लेस कर देते हैं भाई, थोड़ा सा जगह बचेगा उस जगह में अपना स्टोरेज बॉक्स हो जाएगा प्लेस। और चलो भाई यहाँ पे अपना प्रिजर्विंग बिन हो चुका है, अपना दूसरा प्रिजर्विंग बिन इधर ही करते हैं पास में। भाई प्रिजर्विंग बिन बिल्कुल चिपक के नहीं लगता भाई, थोड़ा सा जगह छोड़ देता है। चलो भाई जहाँ पे लग रहा है वहीं पे कर देते हैं इसको भी प्लेस, भाई लग जा। चलो भाई यहाँ पे फाइनली लग गया भाई, नहीं लगा भाई, नेटवर्क ग्लिच भाई, मैंने प्लेस कर दिया था, हो भी गया था लेकिन पता नहीं दिखाया नहीं। और अभी चलो हो गया, और इसके साइड में अपना तीसरा प्रिजर्विंग बिन कर देते हैं भाई, हो जा यहाँ पे। भाई बहुत ज़्यादा प्लेस करने में दिमाग ख़राब होता है, अगर थोड़ा बहुत इधर होता है तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है। और अभी भाई अपना स्टोरेज बॉक्स कर देते हैं इस साइड प्लेस, इसमें कि अपना भाई रेसिपी वगैरह रख सकते हैं और भी फालतू का सामान रख सकते हैं इसमें। चलो भाई इधर अपना खाने पीने की चीज़ें होंगे प्लेस, और इधर स्टोरेज बॉक्स, और इधर भाई बुक सेल्फ अपनी प्लेस कर देते हैं। जैसे ब्लू प्रिंट वगैरह रखना है तो ब्लू प्रिंट रख सकते हैं, और तो कहीं पर जगह बच नहीं रहा है, इधर ही करते हैं भाई सबसे सामने की साइड प्लेस भाई। जिसके पास फालतू ब्लू प्रिंट होंगे वो इसी में भरता जाएगा। और यहाँ पर करते हैं प्लेस भाई, उस साइड भी नहीं लग रहा सही से, बिल्कुल करते हैं। चलो भाई यहाँ पे हो गया, इसके साइड में दूसरा वाला। चलो भाई हो रहा है यहाँ पर प्लेस। चलो भाई यहाँ पे अपना ये बुक सेल्फ भी प्लेस हो गई अपना ब्लू प्रिंट रखने के लिए। और चलो भाई इधर का एरिया अपना खाली बचा हुआ है भाई, बहुत सारा एरिया खाली बचा हुआ है, तो भाई वहाँ पर पता नहीं हमको क्या प्लेस करना है। और यहाँ पर ये बियर वाला बरेल ये ही बना के रखे थे, इनको ही दे देते हैं, जहाँ पे वो प्लेस करना होगा कर लेंगे। और उस साइड वाले एरिया में शायद भाई जब मेटल वगैरह काफ़ी हो जाएगा तब वॉल्ट वगैरह बनाएंगे, उस साइड वॉल्ट वगैरह लगा देंगे। और इन्होंने भाई ऊपर की साइड ये बेड वगैरह प्लेस कर दिए हैं तीन तो, और इस साइड स्टोरेज बॉक्स भी प्लेस कर देते हैं, जैसे आर्मर वगैरह रखने के लिए, जैसे पर्सनल बॉक्स वगैरह हर एक बंदे का ऐसा कुछ कर देंगे इधर। अगर बॉक्स बना के रखे हैं तो भाई वेस्ट ही होंगे, कर देते हैं भाई, इतना बड़ा वेस्ट है कहीं कहीं पर प्लेस इधर उधर। चलो भाई इधर करते हैं, चलो भाई हो जा। चलो यहाँ पर हो गया, अभी इसके साइड में अपन दूसरा बार वाला स्टोरेज बॉक्स करते हैं प्लेस। स्टोरेज बॉक्स प्लेस करने में भी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। चल भाई यहाँ पर भी हो गया अपना स्टोरेज बॉक्स प्लेस। अब ये भाई छोटा वाला पता नहीं क्यों बनाए थे स्टोरेज बॉक्स, इसको भी इधर कर देते हैं अपना ये बेड के ऊपर की साइड प्लेस। और यहाँ पर किधर प्लेस कर दें, इधर ठीक रहेगा वैसे, अच्छा उधर भी मतलब एक्सेस करने में दिखेगा नहीं ज़्यादा, तो इधर कर दे रहे हैं हम प्लेस। चलो भाई इधर हो गया अपना स्टोरेज बॉक्स प्लेस, अभी उधर थोड़ा जगह बचा है तो भी भाई कौन देखेगा आके। चलो भाई हमने आज जिम बेस वगैरह कम्प्लीट कर लिया,
और भाई लाइट वगैरह बच के लगाने के लिए, भाई लाइट वगैरह सोचा ही नहीं बना लें, तो भाई लाइट वगैरह अगले एपिसोड में देख लेंगे। और भाई यहाँ पे मतलब रेडवुड में सर्वाइव कर रहे हैं तो अपने को बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी, तो बाउंड्री बनाएंगे तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा अपने को सामान ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बैटलमेंट में बहुत ज़्यादा सामान लग जाता है, वुड एंड स्टोन। और भाई ये बियर बरल बचा है, इन्होंने फिर से मुझे ही दे दिया, इन्होंने कहीं पर प्लेस ही नहीं किया। और इधर भाई कर देते हैं बेस के सामने ही ये बियर बरल प्लेस, और जब भी भाई पानी की लाइन वगैरह लाएंगे नदी से तभी भाई इसको सेटअप कर देंगे, अभी के लिए ऐसे लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे भाई बेस वगैरह तो लगभग में कंप्लीट हो गया है अपना, और तो भाई इतना सारा सामान बच गया, तो थोड़ा थोड़ा सा सामान बचा है यहाँ पे। चलो भाई वुड वगैरह डाल देते हैं सब फॉर्ज और कैंप फायर में, और थोड़ा लाइटिंग कर देते हैं, फिर देखते हैं भाई कैसा लुक आएगा। चलो भाई वुड वगैरह हमने डाल दिया और यहाँ पे लाइट फायर भी कर दिया, और यहाँ पे भाई जलने लगी अपनी कैंप फायर एंड ये फॉर्ज वगैरह। तो भाई अंदर से मतलब रेडवुड का एरिया मतलब थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा रहता है भाई रेडवुड के एरिया में, तो भाई रेडवुड के हिसाब से अच्छा लग रहा है अपना बेस यहाँ पे। अभी भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब वाइल्ड डाइनो आ जाते हैं, उसके लिए भाई अपना बैटलमेंट वगैरह प्लेस करना पड़ेगा, तो ये अगले एपिसोड में वो भी देख लेंगे। तो भाई फिर आज का एपिसोड यहीं पर एंड कर देते हैं अपना, भाई अपने रेडवुड में बेस बना लिया। और गाइस फिर आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और कैसे आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।